नमस्कार, गोड्डा झारखंड न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के 37,54,000 स्कूली बच्चों की पोशाक पर खर्च होंगे 225 करोड़। शिक्षा परियोजना फरवरी में भेजेगी जिलों को राशि। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 8 तक के बच्चों को शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले पोशाक मिल जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा पोशाक के लिए राशि फरवरी के प्रथम सप्ताह में जिलों को भेज दी जाएगी। वर्ष 2020-21 के लिए 37,54,162 विद्यार्थियों को पोशाक दी जाएगी। इस पर लगभग 225 करोड़ रुपये खर्च होंगे। एक से शुरू होगा झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज। राज्य भर के 8वीं से 12वीं तक के स्कूली छात्र छात्राओं के लिए IIT IISM धनबाद की ओर से आविष्कार झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज 2021 की शुरुआत की जा रही है। 1 फरवरी को इसकी शुरुआत होगी। ऊर्जा दोहन, पर्यावरण, शिक्षा, पानी, सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य विषय पर स्कूली छात्र छात्राएं मौलिक आइडिया पर मंथन कर विशेषज्ञों के पास रखेंगे। विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता एवं नए नए इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रतियोगिता शुरू की जा रही है। बेस्ट आइडिया देने वाले छात्र जिला व स्टेट चैंपियन बनेंगे। IIT IISM ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताते चले कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को पत्र जारी कर कहा है कि 8वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएँ इसमें भाग ले सकते हैं। झारखंड में कोविड-19 के 70 नए केस मामले सामने आए हैं। 723 मामले एक्टिव हैं। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 2 और व्यक्तियों की मौत हो गई, जिसके चलते राज्य में इस संक्रमण से मृतकों की कुल संख्या 1066 हो गई है। वहीं संक्रमण के 70 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या अब बढ़कर 118,495 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में 2 व्यक्तियों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हो गई है। झारखंड राज्य में 116,706 लोग अब संक्रमण से ठीक होकर अपने घर को लौट चुके हैं। इसके अलावा 723 अन्य संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। झारखंड के कई जिलों में बारिश के साथ हुई सुबह की शुरुआत। अगले 24 घंटे में 3 डिग्री तक गिरेगा न्यूनतम तापमान। शुक्रवार की सुबह बादल छाए हुए थे, वहीं सुबह 7:30 बजे के आसपास शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही पश्चिमी हवाओं के कारण ठंड काफी बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार देश में 2 अलग-अलग हिस्सों में चक्रवाती क्षेत्र बन रहा है। एक चक्रवाती स्थिति दक्षिण पूर्व राजस्थान और दूसरा दक्षिण असम के साथ आसपास के इलाकों में बन रहा है। इसका असर राज्य के मौसम पर देखने को मिलेगा। वहीं आज से 3 दिनों तक राजधानी रांची के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगा। आज रांची समेत राज्य के पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, बोकारो, खूंटी, गुमला, रामगढ़ और हजारीबाग में मेघ गर्जन के साथ मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही वज्रपात भी हो सकती है। साथ ही जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई है, वहां मध्यम दर्ज का कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट देखी जा सकती है। इसके साथ ही 30 जनवरी को फिर से 1 डिग्री की गिरावट देखी जा सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा। राजधानी रांची के अलावा कई जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, वहीं सुबह कोहरा और धुंध के साथ मुख्य रूप से साफ रहा। वहीं राज्य के मध्य भाग में 1-2 स्थानों पर शीतलहर और उत्तर पश्चिमी भाग में 1-2 स्थानों पर भीषण शीत 30 दिवस की भी स्थिति बनी। इस दौरान राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान चाईबासा का 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस गिरिडीह में रिकॉर्ड किया गया। झारखंड के हाई स्कूल से प्लस टू स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों को बढ़ेगा वेतन। राज्य में हाई स्कूल से प्लस टू स्कूल में बहाल होने वाले करीब 520 शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा। वर्तमान में मिल रहे वेतनमान में हर माह करीब 10 से 15 हजार रुपए की वृद्धि भी होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों में से ऐसे शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अवर सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से हाई स्कूल से प्लस टू स्कूल में नियुक्त होने वाले शिक्षकों की जानकारी मांगी। इसमें प्लस टू स्कूल के शिक्षक का नाम, नियुक्ति की तिथि, वर्तमान में किस विद्यालय में पदस्थापित है, वर्तमान वेतनमान, हाई स्कूल में हुई नियुक्ति की तिथि, अंत में किस विद्यालय में पदस्थापित थे, क्या वेतनमान मिल रहा था और हाई स्कूल में सेवा संपुष्ट होने का आदेश और तिथि की जानकारी देने को कहा है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। 5 kg वजन भी बढ़ा। राज्य के मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। उनका वजन 5 किलोग्राम
पहले से बढ़ा है। मंत्री अब सहारा लेकर टहलने भी लगे हैं। वे परिजनों या MGM अस्पताल के कर्मियों का सहारा लेकर अस्पताल परिसर में टहलते हैं। उनकी फिजियोथेरेपी अभी चल रही है। पिछले दिनों अस्पताल प्रबंधन ने भी ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री के पूरी तरह स्वस्थ होने की बात कही थी। बताया जाता है कि फरवरी माह में मंत्री झारखंड लौट आ सकते हैं। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।